छत्तीसगढ़ में इन दिनों क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। राजनांदगांव में 17 मई को कुएं में एक शख्स का शव मिला था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मर्डर भाई ने ही किया था, हत्या में उसके माता पिता ने भी साथ दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक वेद प्रकाश घर में लड़ाई झगड़ा करता था, जिसके कारण पूरा परिवार परेशान था। इसको लेकर भाई ने वेद प्रकाश की हत्या की प्लानिंग की और पूरे परिवार ने मिलकर वेद प्रकाश की हत्या कर कुएं में बोर में भर कर फेंक दिया। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। बाल मुकुंद उसने प्लानिंग की और जो रात को दो दिन पहले करीब घटना से 15 मई की रात को 12 बजे मृतक के छोटे भाई ने जब मृतक सो रहा था तो उसके गले पर कुल्हाड़ी से वार करके इसकी हत्या कर दी और हत्या करके अपने पिता के साथ लाश को ले जाकर कुएं में फेंक दिया। और इसकी माता जो थी वो उस घर में जो खून के धब्बे को मिटाई है। इस संदर्भ में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।